फोकस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रिया आ गई है हर वीक की तरह एक और आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड वीडियो के साथ। गाइस, आपको पता है ना, स्प्रिंग सीजन चल रहा है, राइट? हाँ राइट। एंड डोंट यू थिंक कि स्प्रिंग सीजन में मैंने चेरी ब्लॉसम्स की पेंटिंग नहीं करी तो चेरी ब्लॉसम्स को कितना बुरा लग सकता है? हाँ, ये भी है। तो देर किस बात की, चलो चेरी ब्लॉसम्स पेंट करते हैं। आई वॉन्टेड कि ये आर्ट सब बनाए, इसीलिए मैं वाटर कलर का यूज करने वाली हूँ। एज वाटर कलर इज द मोस्ट कॉमन कलर दैट वी ऑल हैव। गाइज, मैं यूज कर रही हूँ 300 GSM वाटर कलर पेपर एंड आई प्रेफर 100% कॉटन वाटर कलर पेपर। सबसे पहले मैं चेरी ब्लॉसम्स की ड्राइंग बना लूंगी, बिल्कुल लाइटली, इतनी लाइट कि आपको भी ना दिखे। सॉरी फॉर माई पीजे, बट यस गाइज, ड्राइंग बहुत लाइटली बनाना है। एज पेंसिल के मार्क आर्टवर्क पे दिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कलर्स प्रिपेयर कर लूंगी। गाइज, वाटर कलर में प्री मिक्सिंग ऑफ कलर्स इज रियली इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर आपने बेस लेयर के लिए पानी पेपर पे लगा दिया है एंड देन आप कलर्स के ढक्कन खोल रहे हो, उससे कलर्स निकाल रहे हो, उनको मिक्स कर रहे हो एंड फिर कलर्स ऐड कर रहे हो पेपर पे, तब तक पेपर का पानी सूख चुका होता है एंड इसके वजह से कलर्स के एजेस क्रिस्प रह जाते हैं। इसीलिए हमें कलर्स को पहले ही मिक्स करके रख लेना है ताकि जब हम बेस लेयर के लिए पानी लगाए तो हमारे पास कलर्स ऑलरेडी बने हुए हो एंड वी जस्ट नीड टू पुट द कलर्स इन द पेपर। बाय द वे, मैंने वाटर कलर मिस्टेक्स पे एक वीडियो भी बनाई है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उसे जरूर देखो। सो कमिंग बैक, बैकग्राउंड लाइट रहने वाली है, ब्लरी रहने वाली है, तो कलर्स बहुत कम एंड पानी ज्यादा यूज होगा। वन मोर थिंग, इट इज अ वेरी गुड हैबिट टू स्वॉच योर कलर्स बिफोर एक्चुअली पेंटिंग, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कलर्स की इंटेंसिटी कैसी है। अब मैं वर्क करूंगी बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड को मैं ब्लरी रखने वाली हूँ ताकि फोकस हमारी प्यारी चेरी ब्लॉसम्स पे रहे। सबसे पहले मैं पानी को स्प्रेड कर दूंगी पेपर पे, बस उन एरियाज को छोड़ दूंगी जहाँ पे मैंने फ्लावर्स बनाया है। अब रैंडमली पिंक एंड ग्रीन कलर्स ऐड करती जाऊंगी। सिंस पेपर ऑलरेडी गीला है, कलर्स अपने आप स्प्रेड हो जाएंगे। पेपर को पूरा कलर से फिल नहीं करूंगी, कहीं कहीं व्हाइट बैकग्राउंड भी रहने दूंगी। अगर आपको ये फील हो रहा है कि पेपर ड्राई होने लग रही है तो और कलर्स ऐड मत करो, पूरा पेपर को ड्राई होने दो, फिर वापस से पानी स्प्रेड करो एंड देन कलर्स ऐड करो। बैकग्राउंड पेंट एंड सूखने के बाद कुछ ऐसी दिखती है हमारी पेंटिंग। अब मैं पेंट करूंगी फ्लावर्स। मैं पहले एक पेटल पे पानी स्प्रेड करूंगी एंड देन मैं उसमें पिंक कलर ऐड करूंगी बीच से। हमने जो पहले पानी लगाया हुआ था उसके वजह से कलर्स अपने आप स्प्रेड हो जाएंगे उस पेटल पे। मैं ब्रश की हेल्प से हाइलाइट्स एंड शेडोज बनाती जा रही हूँ। अब सेम प्रोसेस रिपीट करूंगी हर एक पेटल के लिए। टू अवॉइड कलर ब्लीडिंग फ्रॉम वन पेटल टू नेक्स्ट पेटल, मैं पेंटेड पेटल के ऑपोजिट वाला पेटल पेंट कर रही हूँ। ओह गॉड, इतनी ऑब्जर्वेशन। हाँ, तो और क्या। धीरे धीरे मैंने सारी पेटल्स पेंट कर ली है यूजिंग पिंक कलर। अब ड्राई होने के बाद मैं एक पेटल पे वाटर स्प्रेड करूंगी एंड देन पर्पल कलर ऐड करूंगी जिससे और डेप्थ आएगी। सेम प्रोसेस फॉलो करने के बाद हमारी आर्टवर्क कुछ ऐसी दिखेगी। नाउ बर्ड्स को पेंट करने के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बस कलर्स थोड़े कंसंट्रेटेड यूज करने हैं। वेट ऑन वेट टेक्निक का यूज करते हुए पिंक एंड पर्पल कलर सेम टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। अब बर्ड्स भी पेंट हो गए हैं। नाउ इट्स टर्न टू पेंट लीव्स। प्रोसेस सेम रहेगा, जस्ट डिफरेंस ऑफ कलर्स विल बी देयर। मैंने यहाँ पर सैप ग्रीन, येलो ऑकर एंड ब्राउन का यूज किया है। जब मैं कलर्स ऐड कर रही हूँ तभी ही मैं थोड़े डिटेल्स ऐड करती जा रही हूँ ताकि डिटेल्स ज्यादा क्रिस्प ना दिखे एंड नेचुरल लुक आए। सारे लीव्स पेंट होने के बाद हमारी आर्टवर्क कुछ ऐसी दिख रही है। अब बैकग्राउंड में व्हाइट स्पेसेस को मैं फिल कर दूंगी पिंक, ब्राउन एंड ग्रीन कलर से। एंड नाउ सम फाइनल टचेस लाइक स्टेम्स ऐड करना यूजिंग ब्राउन कलर, क्रिस्टल्स ऐड करना यूजिंग येलो कलर। नाउ लेट मी रिमूव द मास्किंग टेप एंड इट्स रेडी। आई थिंक चेरी ब्लॉसम्स अब मुझसे नाराज नहीं होगी। गाइज, द प्रोसेस वॉज रियली ईजी, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसे जरूर ट्राई करो। एंड अगर आप मेरे कोई भी आर्टवर्क को रिक्रिएट करते हो तो डू टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। ये वीडियो कैसा लगा एंड नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना पसंद करोगे वो भी जरूर बताना। सी यू नेक्स्ट संडे, बाय। सी यू नेक्स्ट।